अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अचो त ॻाल्हायो में आऊं या धोधो चांडियो। नाज़रीन, अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं ख़ासि तौरु सिंध जे हवाले सां। हिकिड़ो इंतिहाई अहम फ़ैसिलो थियो आहे, वफ़ाक पारां सदारती आर्डीनेंस लागू कयो वियो आहे, ऐं उन सदारती आर्डीनेंस ज़रिए सिंध जा जेके ॿेट आहिनि उन्हनि ॿेटनि ते हिकिड़ी अथॉरिटी ठाही वई आहे। उहा अथॉरिटी तरक़ियाती कमु कंदी, उनमें सिंध गवर्नमेंट जी नुमाइंदगी बि न हूंदी, ऐं क़ानूनी तौरु मुल्क जे आइनी तौरु ऐं आलमी क़ानूननि तहत ॿेट जे जेके फ़ैसिला आहिनि उन्हनि फ़ैसिलनि खे या जेके क़ानून आहिनि उन सभिनी खे लताड़ कंदे हिकिड़ो अहिड़ो आर्डीनेंस आंदो वियो जिते सॼी सिंध सरापा एहतजाज जा मुज़ाहिरा थियनि पिया ऐं सिंध जा माण्हू रोडनि ते आहिनि। हिन इशू ते हिन सां गॾु लाॻापियल जेके ॿिया मामला आहिनि उन सां गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां पैनल ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी इशफाक अदर साहबु ऐं उन सां गॾो गॾु सीनियर सहाफ़ी फारूक सुमर साहबु। ऐं ॿिन्ही महिमाननि खे महिमान पैनल ते वेलकम। इशफाक साहब, चाहींदासीं त गुफ़्तगू पाण शुरूआत कयूं। हीउ जेको फ़ैसिलो थियो आहे ऐं इलाही अॻे बि थियो, परवेज मुशरफ जे दौर में थियो, तव्हां ॾिठो त अरबाब रहीम वॾो वज़ीर हुयो ऐं उन दौर में जॾहिं उहो फ़ैसिलो थियो तॾहिं सिंध में तमामु वॾी एहतजाज थिया हुआ ऐं सिंध जी तारीख़ में पहिरियों भेरो समुंड जे अंदरि रैली निकिती, यानी ॿेड़ियुनि जी रैली निकिती, जेका आहिनि ॿेटनि जे चइनी पासनि खां घुमी आई हुई। सॼी सिंध उन में शरीक हुई, माहिगीरनि हुनखे लीड पे कयो छाकाणि त उन्हनि जा इशूज़ हुया। हिन भेरे मुल्क में को वॾो मनसूबो शुरू कोन थियो आहे, वफ़ाक़ी सरकार कोन कयो आहे। जेको पहिरियों कमु कयो अथनि उहो कयो अथनि त हिकिड़ा बाईपास करे सूबे खे ऐं हिकिड़ी अथॉरिटी ठाही अथनि। कीअं इनखे ॾिसो त असर पवंदा? दोस्तो, जॾहिं का पी टी आई जी गवर्नमेंट आई आहे तॾहिं हुननि जेको सदारती ऑफिस आहे उनखे आर्डीनेंस फैक्ट्री करे छॾियो आहे। तव्हां ॾिसो त केतिरा आर्डीनेंस हिननि जारी कया, पार्लियामेंट खे बलडोज कंदे, ग़ैर आइनी तौरु, ग़ैर क़ानूनी तौरु हुननि जेके बि फ़ैसिला कया आहिनि, मतिलबु हीअ उन्हनि मां सभिनी खां वधीक संगीन ऐं सभिनी खां वधीक ख़तरनाक फ़ैसिलो हुननि कयो आहे। माना सिंध जे ॿेटनि ते ग़ैर क़ानूनी वालार, ग़ैर आइनी वालार, जंहिंजो को मंतक़ी कोन्हे ऐं जंहिंजो को सबबु बि कोन्हे। जॾहिं आइन में वाज़े आहे, असीं त चलो ठीकु आहे, असीं क़ानूनी माहिर कोन आहियूं, पर हाणे त लीगल जेके एक्सपर्ट आहिनि उन्हनि जी बि राय अची चुकी आहे त बाबा आइन जो आर्टिकल जेको 172 आहे, 173 आहे, उन तहत तव्हां जेका बि 12 नॉटिकल मेल ताईं समुंड जे अंदरि जेका एराज़ी आहे उहा सिंध हुकूमत जी आहे। हाणे 12 नॉटिकल माइल माना इहे थिया तक़रीबन 22 किलोमीटर, ऐं तव्हां ॾिसो त जेके डिघी ऐं भुंडार ॿेट आहिनि उहे को 0 खां 2 नॉटिकल मेल ताईं आहिनि, यानी जेकॾहिं इब्राहिम हैदरी खां तव्हां वेंदो तव्हां 3 किलोमीटर जो इहो फ़ासिलो थिए थो। त इन जो क्लियरली मतिलबु इहो थियो त माना लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ही ॿेट जेके आहिनि इहे सिंध जी मिल्कियत आहिनि। हाणे इन ते ॾिसणो इहो हो त इन ते सिंध हुकूमत जेको आहे उहो पंहिंजो कहिड़ो रिएक्शन शो करे थी, जेको हिन महिल ताईं असांखे नज़र कोन आयो आहे। हा, इहो ज़रूरु आहे, किथे मूं ॿुधो पए त जेको सईद गनी आहे उन चयो पिए त हीअ ॿेट सिंध हुकूमत जी मिल्कियत आहिनि ऐं इन्हनि ते असांजी इजाज़त खां सवाइ को बि तरक़ियाती कमु न थींदो। चवणु छा था चाहिनि, इजाज़त छा मतिलबु आहे, यानी कि सिंध गवर्नमेंट खां पुछियो न वियो आहे, जेकॾहिं असांखां तव्हां पुछो आहे, एन ओ सी वठो आहे, एन ओ सी वठी करे तव्हां कमु कयो आहे त पोइ त ठीकु आहे। हीउ वाज़े कंदो हलिजे त हीअ ॿेट जेके आहिनि उहे सिंध हुकूमत जी मिल्कियत न आहिनि, हीअ सिंध जे अवाम जी मिल्कियत आहिनि, सिंध जे माण्हुनि जी मिल्कियत आहिनि। ऐं सिंध जे माण्हुनि जेको पीपल्स पार्टी खे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खे मैंडेट ॾिनो हो, उहो सिंध जे वसीलनि जी मालिकी जे तहफ़ुज़ ऐं उनजे बचाव जो जेको आहे सो उन्हनि खे मैंडेट ॾिनो हुयो। इहो न आहे त हू पंहिंजी मर्ज़ी सां फ़ैसिला कंदा, सिंध जे अवाम जेको गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां वठी पंहिंजी राय जो इज़हार कयो उन में क्लियर कट हुननि इन फ़ैसिले खे रद्द कयो, इन अथॉरिटी खे नथा मञनि। असीं कंहिं बि रीत जेको आहे सो इन मामले ते असांजी सिंध जे माण्हुनि जी बिल्कुलु वाज़े राय आहे। इन करे सिंध हुकूमत खे बि पंहिंजी वाज़े ऐं चिटी राय रखणु खपे त हू कहिड़े पासे बीठा आहिनि, हू छा था चाहिनि ऐं सिंध जी ॿेटनि जे मामले ते हुननि जो कहिड़ो मौक़ुफ़ु आहे। इन में इशफाक साहब जीअं चयो त सिंध हुकूमत पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ी सिंगल लाइन बि मौक़ुफ़ जी रिलीज़ न कई आहे। जेको पहिरियों मौक़ुफ़ु आयो मुर्सा साहब जो, उहो बि सिंध असेंबली गैलरी ते मूं सुवालु कयो, मां मुख़्तलिफ़ सुवाल जर्नलिस्टनि कया विया। सी एम खां जेको सुवालु थियो, जेको सी एम चयो त जेको चाहींदा, ॿ भेरा ॿई भेरा जो सुवालु मूं कयो मां प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल्ह नफ़ीसा शाह जो हिकिड़ो बयानु रिलीज़ थियो आहे पहिरियों भेरो। नफ़ीसा शाह पार्टी तौरु भई हो, पार्टी मर्कज़ तर्जुमान आहे, पर सिंध गवर्नमेंट न कयो आहे। हिन खां बहितर फ़ैसिला अरबाब रहीम कया, जेके असां सफ़ा सिंधी माण्हू रद्द कयो, असीं हुनखे इलाही कयूं था। मुशरफ जे दौर में जॾहिं हीउ इशू थियो हिननि ॿेटनि जो, हीअं त रुॻो हिननि ॿिनि ॿेटनि जो कोन थियो आहे, हिन भेरे समूरनि ॿेटनि जो थियो आहे। त उन दौर में जॾहिं मुशरफ जे दौर में इहो थियो हुयो त अरबाब रहीम ख़तु लिखियो त इहा ज़मीन जेका आहे उहा पोर्ट जी कासिम जी न आहे, पर इहा ज़मीन सिंध गवर्नमेंट जी आहे। तरीक़े ॿेट भले ठाहियो, शहर भले ठाहियो, पर इहा असां ठाहींदासीं, भई यानी सिंध गवर्नमेंट उन्हनि लीज़ ॾींदी, इहो ज़मीन हुनजी सॼी कंदी। हिन भेरे हिननि
सिंध गवर्नमेंट इो भी नया अगूणी जैसे तहरीक हली हुई तरी इन तहरीक में पीस पार्टी उनमें शामिल हुई। निसार खोड़ो साहब रैलियों में हो, मुराद अली शाह साहब, सईद गनी हुए, बया पीस पार्टी जहाँ जे अगवान हुआ वो एहतजाजन में शामिल थी हुआ अरबाब रहीम के खिलाफ एहतजाज हो अगर मुशरफ वेठो हो या वफाक हुई इन भेरे इन किस्म जो मौकफ को सिंध गवर्नमेंट जहाँ इशफाक साहब गाल कई महरबानी दोदा साईं। असल में कानूनी पास हो जैसे थोड़ा अशफाक साहब गाल तो उनके वफाक अख्तियार है ना है उन्हें आर्डिन पार्लियामेंट होंदे आर्डिनेंस जरिए छो अड़ी कानून साजी कई पी वे। सिंध हुकूमत जो मसलो है उन इंतहाई मुजरमानी खामोशी अख्तियार कर वेठी है। छो जो तुम अरबाब रहीम जो मिसाल दिनों अरबाब रहीम तो एकड़े वोट से वो वजीर थी आयो उन्हें एतरी जिम्मेवारी को नई मानून की उन्हें उम्मीद हुई तो अड़ो फैसलो करे सके तो नई जो वो न करे तो मानून के एडी मायूसी थे। पीपुल्स पार्टी तो पान के सिंध के अवाम की नुमाइंदा जमायत थी चे जो आम मानू के वोट से चूंड की इकतदार में थी अचे उन्हें जी जेका खामोशी है वो इन ताई मुजरिमानी है उन्हें उन इलाही वाटू हैं जर इन आर्डिनेंस के रद्द करे उन रिएक्शन में अचे उन मुखालफत करे उन कानूनी सियासी अवामी जो सपोर्ट जहाँ पास सब मौजूद हैं। तुम जो गाल कई नफीसा शाह के बयान की तो नफीसा शाह इन ताई मोहतरमा असा लाइ पार्टी की तर्जुमान उन बयान की हेदी मल एक सियासी पार्टी के मुखालफत तो वी बी का अहमियत ना है जी बी का पार्टी मुखालफत करे जर नफीसा शाह पीपुल्स पार्टी के तर्जुमान तौर मुखालफत कई है तो वह एक सियासी पार्टी के मुखालफत तौर लिखी हुई भी जेस तीन सिंध हुकूमत नी गाल जेस तीन सिंध जो हुकूमत जो तर्जुमान नो गाल तो उन्होंने मौकुफ़ है वह कर चाहन था जो अशफाक साहब गाल कई थी मिल्कियत तो सिंध हुकूमत की आ सिंध हुकूमत की न सिंध के अवाम की आ सिंध के अवाम के हकन के मिल्कियत के तहफुज जिम्मेवार केर आ जैसे मानून वोट दई चूंड वह सिंध हुकूमत आने मुझे ख्याल में सिंध हुकूमत के पी खामोशी त्रोड़न घुर्जे जो खामोशी नथा त्रोड़न तो उनके सियासी तौर इलाही नुकसान थो जो हेदी मल सिंध में सूरत हाल आ जो मानून की भली का पार्टी न अचे सिंध में एक सियासी शऊर है जो इलाही नस्लन जो तसलसल है जो मानून पैं हकन पे बे नस्ल में मुंतकिल कर जर का पार्टी नी अचे इन मां भी तो सिंध जो अवाम पान मुरादो निकर कल का वी अस जो सोशल मीडिया से नंढन शहर मुजाहरा शुरू थी अज कराची में जो अवामी तहरीक की रैली वो केतरी भरपूर रैली निकती इलाही बेन शहर मुजाहरा थे मुझे ख्याल में सिंध हुकूमत के जो उन कानूनी जवाज भी आन जो उनकी मिल्कियत उन तहफुज अचान घुर्जे उन गाल घुर्जे। मशकूक किरदार थे तो ना हाँ मानू जो उनके चवन था पाया तो ये सहूलतकारी किरदार अदा करे थी पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट उन रीजन भी यही है तो तुम पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर लाइ रोज निकरी अचो था हर बे टे ढी कलाक कलाक टीवी से वेठा हो प्रेस कॉन्फ्रेंसू कर बयान दियो था का को मौको तथा ना वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है पर जैसे सिंध के वसीलन की मालिकी जो मामलो अचे तो पो तो कोई मूल गाल तैयार को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है बिल्कुल ठीक है पर जैसे सिंध जहाँ इज्तमाही इशूज हैं उनके वारो अचे तो सिंध जहाँ मूल बुध चाहन था डिमांड कन था पीपुल्स पार्टी जो वोटन से चूंडल नुमाइंदा जमायत है इकतदार में आए वो पी पोजिशन तो वाजे करे तो उनके पारा को बयान न तो अचे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को नी थे वो सिर्फ एकड़ी पी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के जवाब में एक रैली कढ़न था एंड दैट्स ऑल। हि डिंगे बुनार बेट जो इशू रगो को बिन बेटन जो मुशरफ दौर में इन बिन बेटन जो इशू हो उन टाइम से मार कंपनी नालो वी था छूँ उन आंदो से शहर ठा उत इन भेरे जो खतरनाक उन यो थो अथॉरिटी ठाई अथन यानी कराची का ब किलोमीटर से अंदर सिंध जी जमीन होंद या ठठे का केटी बंदर ताई या बदीन का वफाक के कंट्रोल होंद फैसले अख्तियार हों तक चैलेंज भी ना कर सको सिंध गवर्नमेंट इन शहर के अंदर जी वन यूनिट हो या जी वफाक कराची के मुख्त वफाक के हवाले किया वो तो हाँ कराची के माना डीएचए फेज टू वटा इब्राहिम हैदरी वटा या लट बस्ती वटा इत बी जो पे शहर ऐसबो वो शहर वफाक होंद
यानी कल सिंध के हदन में यो सागी बलोचिस्तान साहब कंदा उते बेट ट्रेन सड़िया तो ही एकड़ो ब बेट ना ही तमाम घना बेट पूरी साहली पट्टी पूरी यानी जो वो जोड़ो शुरू का वी तरन के अस चुना ना जो सिंध की एडी वी आमदनी है जो अस एन एफ सी में वो केस जो रखा आयो तो भाई सिंध इतने रेवेन्यू डे थी रेवेन्यू डे थी उनके जो अस बंदरगाह अस समुंड चाहता हाँ जो बेड़ा बीठा है ये हदन जिन में अचन था कासिम पोर्ट जहाँ या कराची पोर्ट जहाँ ये हाँ कर तो अस नवा शहर अड्डा तो वफाकार उन हथन में रोके ना पीपुल्स पार्टी वे में वो क्रेडिट खणी आ अरणी तरमीम जो ये तो उनो वो इम्तिहान है तो अरणी तरमीम जैसे तीन सूबाई मिल्कियत जो तहफुज ना करो अरणी तरमीम जो तहफुज क्या कौ बो जी कई बलोचिस्तान के हवा से तो मुझे ख्याल मालिक बलोच जो अगूणो वो वजीर रो बलोचिस्तान जो उनको इनता खतरनाक बयान आयो तो ये जी साजिश आ सिंध बलोचिस्तान की जो भी सहली पट्टी आ उनके अलग कर बिन्हीं सूब का अलग कर वफाक के कंट्रोल में दिज माना जे मिल्कियतू सूब जो उनके आर्डिनेंस जरिए कंट्रोल कर सूब जो बलोचिस्तान तो सदा ही नारो हण रो आयो साहिल और वसायल पर कब्जा खत्म करो ये तो हाँ वो सिंध ती अची गाल पौती है मुझे ख्याल में सजी पट्टी जी सामुंडी पट्टी उन कब्जे कर साजिश है जी इनता गलत आ इनता गैर आइनी है इनता गैर कानूनी है वो यो जो कहीं चो थी पोर्ट जहाज उनकी रस्ता आमदनी थे थी रनिंग थे थी बो जो उन सब का वो तो जो सूबो हों समुंड के किनारे पर तुम जो सूबे हदूँ वो समुंड से नजो यानी तर में वही हुए ही कर कराची में तुम अचो ना तो मथा तुम वो हाक्सबे का वी सजा पास वे उत कल्चर डिपार्टमेंट जो हट ठल हुआ उ हाँ उनके कंट्रोल में यानी वह दिफाई इदारों वटन उन डी एच ई अचे तो पोर्ट वफाकी इदारों अचे तो डी एच ई अचे तो सी ओ उन अगत पोर्ट कासिम की हदूँ जो वो शुरू थी वन तमाम थोड़ो लिंक वही बचो है जिता समुंड में वही सिंध जो मू माहिगीर या को अंदर वही सके तो वो ही डिंगी विंडार बेटन वटा इतना चैन है जिता ओपन समुंड में वन मुहाना मोटी मोटी अचंदा यानी सिंध जहाँ तो सफा रस्ता बंद थी समुंड से फैसले का बिल्कुल सही था चो हूँ भी जो कराची जो वो शहर वो चवंदा तो सिविलियन को उनको 33% या 40% कंट्रोल में आ पर ठीक है कंट्रोल में 33% आ 40% पर वो आए तो सिंध की मिल्कियत हदन में न ये तो जो साजिश आर्डिनेंस वो तो माना उनको इलाको जिते मौजूद आ वो इलाको उन हदन में उन अख्तियार खसिया पाया वन इं ही जो है तुहान की गाल कई उन्होंने रोजगार जी निसार खोड़े गाल कई तरक्की जी तो उन कें एतराज़ हों निसार खोड़े साहब केर जो पुछे तो तुझे घर में जो चार रूम टो बाथरूम आको है किचन आ सुबह बो केर अचे चे भाई ये तो इलाही घटन अस इनके बेहतर से टाइम तू इतना निकर अस इतने अची तरक्या कम कर घर में वेही रही तो उनके कबूल हों तरक्की छाजी तरक्की तो मानून सा लागा पेला मानून के कडी जके मकामी मानून उनन के कडी ता केडी तरक्की आनी दो हे आगे केडी दिनी थन या आगे में केडी दिनी थन शुरू का वटी रहयो सिंध सा शुरू का वटी रहयो ता अयूब जे जमाने का जद जमीनू अलाट कई बार मानून के उने का पो इवन जमहूरी दौर में भुट्टे के दौर में चश्मा जेलम लिंक कैनाल टायो सिंध जो दरिया खणी आ सिंध जो जमीनू खणी आ सिंध जो मदनी वसीला गैस आ कोयलो वो अजा वफाक के कंट्रोल में हाँ अचे समुंड के पुठियां पियान तो वो भी जो सिंध का खसजे थे हर दौर में सिंध का वसीला सिंधी मूँ जो तरक्की मुखालिफ आज वो तरक्की ना चाहन बबा अस कदें तरक्की तरक्की हैदराबाद सखन मोटरवे जो मनसूबो अवान साल पे है हर साल जो वफाकी एडीपी आने पैसों ना रखो मिसाल तौर ते पुल ना ठहन जिता मूँ जो है सो वोजा जनाजा जो खी सकन वो भी दरिया पार कर यार खुदा के वास्ते अस किथे तरक्की मुखालिफ आयो तरक्की है तो असा गोठ शहर घट में घट उन तरक्की याफ्ता बनाओ भला कोई मॉडल गोठ बुधाओ को मॉडल शहर बुधाओ जो तेल तय हो सिंध हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो भला
उनकी तान अची टुटे थी पी कराची से कराची में सजो डेवलपमेंट कर सदा ही असाई अखियो तो दू पर सिंध जहाँ बया शहर भी तो छो नजर का भी अथॉरिटी ना ठहणी उत का भी जो को भी तरक्याती कम ना करो तुसो तो समुंड से जो हशर किया है समुंड सजो समुंड जो पत्थर विझी कर भलार कई है दुनिया की का अड़ी साइली पट्टी बुधा यार को समुंड बुधा को सीवी बुधा जिते अड़ी जो भींग थल हो जी समुंड के पानी के लटे कर कमर्शल प्लाजाओं हड़ो उनके कमर्शलाइज कर छो कड़ी दुनिया कोरंगी किरी ते वनो सजी इकला जी सजी माहौलियात ने बिल्कुल कलर जा हणंता शेड को शेड हणंता जी मानु क्रॉस करे कुछ न से पुठा डंपर सजी रात भराई कन था सीव्यू का बुदी खुद जो हाने सीव्यू आ हियर ता के वरी किलोमीटर अंदर वनी बस पानी पैर पुसाना पोंदा अगे ये लहरू इंदे होयो फारूक साहब ये रोड जो को सीव्यू रोड आ इने ते पानी अची विंदो यानी जे छोलियो हलंदो चांडो की रातन में हियर ता 1 किलोमीटर अंदर समुंद्र में वनो तो पए आणि यो किलोमीटर वरी डे छे सुभाणे कंट्रोल में हुंदो इते वरी बंगला ठंदा फ्लैट ठंदा वालार कंदा था वन वालार ते वालार कंदा ता एडा जेको हाक्स बेवारो पासो उते ता दिसो ते जेको उते मकामी मानन सा आशरा उते जेके प्लाजा ठयान या मकामी मानन के किए लडायो पियो वने एडा जेको डिफेंस वारो ता पासो बुधाय समुंद्र ते कब्जो मकामी मानन के लडायो उते जेको सजो कमर हर शय कमर्शियल कंदा था वन वो न के जे पुछा का सवा न के जी इजाजत का सवा बे बाख्तियार बादशाह लगा पे जेडी मल मर्जी ते जिते कब्जो करणो वनी वेही तार सिंध हुकूमत असा जी जका नुमाइंदा हुकूमत आ वो चुप कई वेटी आ वो पर उन हर कानून में आईन में मकामी मानु जे इंडिजिनस मानु अन उते रहन था उन जा हक हुंदा उन जे हकन के तहफुस मिलेल हुंदो है हते तो इयो आए तो मना पुछा करनी ही कान है ना पांजे लेखे बस एक जी अमराना फैसला वो मड़े छड़ना को ऑर्डिनेंस अची वनो है हिं थी वनो वो एक सेठियान वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो मूँ अची वा हाँ वजीर आजम मुलाकातूँ क्यों पे गवर्नर मुलाकातूँ क्यों पे सभी के खबर हुई न सिंध हुकूमत वा पुछा कयोसी न मुख्तलिफ वक्तन से उन्होंने कहा तो बबा इन किस्म की शे ठे पी अथॉरिटी ठे पी तुझो इतने मौकफ़ है इो सवाल ही पैदा न तो थे मुख्य तो समझ में नो अचे तो सिंध गवर्नमेंट के खबर ही न हो महीने महीने अग की गाल महीने अग की गाल जी पी आई टी है वह प्रेस रिलीज जारी करे थी फोटो जारी करे थी जैसे मतलब रियाज वो बया वेठा ठीक है गवर्नर हाउस में सदर पो करे जैसे मौको वो ना सदर के अख्तियार ही असा अब तो नन अवं को पुछन तो कम सब जो उन्हें करो सब कर खबर न हुई मुराद शाह उतने एडो नोटिफिकेशन निकले तो वफाक में फैसलो थे तो इतने सीएम साहब बयान जारी करे तो ये मसलो जो सिंध के खिलाफ एतरा असा पैसा रोज कटा रुपये रुपये जो घे बुधाइंदा तो भाई एतरा रिलीज थे महीने असरा रिलीज था हि सो फैसलो थो पे चाहे का सफा लिख चोरी थो सवाल ही पैदा असल गाल समझ भी नथी अचे न ये मुख्तलिफ वक्तन ते उन्हन जा वजीर पाण प्रेस कॉन्फ्रेंसू करे जेके साफिन जा सवाल उन्हन जा जवाब दींदा रहा तो उन में यही गाल कंदा रहा गोल मटोल गाल गोल मोल गाल तो हाँ जैसे उन तरक्की थे थी पी तो उनमें को हर्ज को तरक्की क्या असर हों बो जगह तुम गाल सिंध हुकूमत के खबर न होंगी तां जेकॾहिं थोरो रिकॉल कयो त आगस्ट जो जेको आहे आख़िर में ऐं जेको सेप्टेंबर जी शुरूआति में हिकिड़ी इंतिहाई तेज़ी सां चुरपुर थी सदर खां वठी वज़ीर आज़म ताईं वज़ीर आज़म खां वठी वज़ीरनि ताईं कराची जा दौरा ऐं मुलाक़ातूं वापारियुनि सां हिन सां ऐं इहे जेको ऑर्डिनेंस आयो उहो बि 2 सेप्टेंबर ते आयो तव्हां उन्हनि जे ॾींहंनि जो कनेक्शन जेकॾहिं ॻंढींदो न तव्हां ख़बर पवंदी इहे सॼी ज़ाहिर आहे हिन जी सिंध हुकूमत खे ख़बर पई हूंदी न या तव्हां सफ़ा एतिरा न पई हुजे या तव्हां सफ़ा हुनखे का ख़बर कान पई हाणे त पइजी वियो न कल्ह खां वठी ॿ ॾींहं ते कल्ह खां वठी का प्रेस रिलीज़ बि कोन्हे को तर्जुमान कोन्हे को माण्हू ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे तव्हां ज़िक्र कयो रैली जी त मीडिया हुई सॼी इहा ई सदर जे रस्तनि ते माण्हू हुया शाम ताईं कराची यकजहती रैली कनि पिया तकरीरूं कनि पिया पीपल्स पार्टी वज़ीरनि जूं हींअर जेके बि तकरीरूं थियूं कराची डिवीज़न जे अॻवाननि जूं जे कराची रैली में उन में कंहिं बि हिन इशू खे न टच कयो आहे सफ़ा बिल्कुलु ॼण त लॻे ईअं थो ॼण मामला जेके आहिनि पंहिंजा उते तय करे आया त भला चलो ठीकु आहे तव्हां कयो चवनि था तरक़ी था कयूं भला इब्राहिम हैदरी खे तव्हां पाणी छो नथा ॾियो घटी तव्हां पकी नथा कयो समुंड जो किनारा त तव्हां तरक़ी करणु चाहियो न तव्हां रेड़ी में अञा ताईं हालति जेका आहे माण्हू जीअं रहनि था वञनि था ॾिसो सही रठ बस्ती में पोइ मथे तव्हां वञो न हाक्स में हिते मुबारक विलेज खां वठी समय ॻोठनि माण्हू कराची में पाणी पिनंदा आहिनि हीअ मूं उते हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट कई हुई त कराची में इन ॻोठनि में रोडनि ते थांव रखी बीहंदा आहिनि कदीमी रहवासी समुंड जे किनारनि जा माण्हू
टेंकर इदार कंपनियों या बया इदार बचल हों टेंकर वे की मर्जी रोड से बीहे औरतू झली पानी पिन्द यानी पानी पिन्दा रोड से बी इन माहगीर समुंड किनारों से बैठल मानो उन पिठो पानी पौधा दियो तो तरक्की मुखालफ ना तरक्की सहूलत आ न स्कूल आ न बी के सहूलतूँ जो बेटा शहर आ पानी में झोपड़ा मोरख मरन ये तो हालत आ ना चो तो मूँ तरक्की दूसरे उतर मकामी मूँ उन रोजगार दई सको न के तलीम कोई इदारा सुठा टा सकया न के उन अस्पतालू सुठ टा सको न जो इवन सफा जरूरत बुनियादी पानी जड़ी शेन उ भी तुहैया न कर नहीं बाकी तरक्की कें तरक्की कब्जो सीधो मिलो गुफ्तगु क्यों ना गुफ्तगु सिलसिलो जारी वो नो ब्रेक वेलकम बैक पा डिस्कस कर ब्रेक का पैं इशफाक साहब फारूक साहब इन बेटन थे हाँ एक पीस पार्टी है उनकी सिंध में हुकूमत है उन इशू पा डिस्कस कयासी तो बिल्कुल खामोशन पर हाँ इशू यो तो थे तो बाकी सिंध पैं मुतालबो जो बया इशू थे असा कालाबाग में खोड़ फैसला बिहारियन जो इशू हो कालाबाग डैम जो हो थल कैनाल हो सिंध एक स्ट्रगल में हुई जो सिंध इक्तदार में वह को हुई पर जो सिंध इक्तदार का बाहर हुई जो रस्तन से हुई वह सिंध हुई उन एहतजाज किया उन एहतजाजन के वेंदे जो आखिर में मुशरफ जो मानू भी कालाबाग डैम न ठा सको को भी ना सको चाहे बावजूद भी खोड़ इशूज सिंध मानू मुतालबा कर विड़ी रजिस्ट कर मंझाया हि जो इशू है इनते स्टार्टिंग है वह मुझे ख्याल में तो बेहतर थी तमाम जबरदस्त एहतजाज शुरू थे इनके अग वी वा अगते यो प्रेशर बिल्कुल जो अवामी प्रेशर हों दोदा सही वो सियासी पार्टियों के मजबूर कह तो एक पास थी बीहन पैं लाइन ठाएन पंजा इतिहाद ठाएन ये जो कल का वही तुम सिंध में ऐसो पे ना जो उनते रिएक्शन आयो उनके करे अज ये खबरों अचान शुरू थी तो इतिहाद ठहण के लिए या एक बे से राबता जो उ शुरू थी वह तो अवामी प्रेशर के अगर मुझे ख्याल में का सियासी पार्टी न बीह सकती जर कें भी सियासी पार्टी इन मौके से माठ कई न खामोशी कई ना समझो तो पैं सियासी मौत जो सामान पैदा पी कर सियासी खड पी खोटे उन कर सियासी पार्टियों एकड़ी सियासी पार्टियों अड़ियन जो वाकई इन मसले से सीरियसली जिदोजहद करना चाहिए पर बन जगह सियासी पार्टी गुमगू की कैफियत में उनके भी मजबूर थी एक पास थी बीहण पव जो मू टाइम से जो भी सियासी पार्टी इन टाइम से चूंकि चुनाचे अगर मगर में कम वरतो ना मुझे ख्याल में सिंध में का सियासी जाए न पॉलिटिकल स्टैंडिंग को दो मामले से पीपल्स पार्टी अथॉरिटी के मामले से बेटन वे मामले से सिंध की मजमुई राय के खिलाफ वे थी चे थी ओके ठीक है असाखे फॉर्मली वफाक एनओसी असा वे तो असा राजी आयो तसो ये वो पॉलिटिकल सेटबैक हो सिंध जहाँ मू कें भी रीत इन राय के कबूल न कंदा बुदा जैसे पीपुल्स पार्टी पाँगी पोजिशन वाजे करे तो हि बिन मिनटन जो कम है पीपुल्स पार्टी हुकूमत जो है सो वो इजलास सराए इजलास में आर्टिकल 144 जो है सो उन तहत तुम को भी सदारती ऑर्डिनेंस जो सूबे के हवाले से हो रद्द कर सकता माजी में ये थी चुको है मुशरफ वो जो पुलिस आर्डर हो बाजार वो जो वो असेंबली रद्द किया सो इो को हो को इन हवाले से हाँ कुछ ना कर सको तट ऑप्शन्स लीगल स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग प्रेशर कबूल पीस पार्टी फील पे करा तो जी बरसात हुई तो पीस पार्टी में सिंध गवर्नमेंट अस चूँ त सो गुजर नाले से बीह रहा तो उन्होंने तो शायद बाहर अड़ी कुछ भी को थे जैसे इतने अच्छी मीडिया उन्होंने हशर किया जो बो थो ही वह माँ खुद वह वही पा चो तो भाई ये शूँ दिखारो हे इन वक्त सिंध में इतिजाज थन था पाया रैलियो निकलन थी पमाम घड़ी अज अवामी तरीके रैली हुई उनका अगमें बिन पोलिटिकल पार्टियों जी सिंध वन मुख्तलिफ तंजीम क्यों तो हाँ हि प्रेशर एज ए सिंध हुकूमत कबूल कंदी बिल्कुल बिल्कुल न सिर्फ कबूल कंदी उन्हें कबूल करो पव बी गो पीडीएम उनमें जो नुकता छवी नुकता एक बया उन सियासी पर उनमें एक नुक यो अरणी तरमीम जो भी आस उनके कें भी सूरत में विथड्रॉ कर डींदी तो पीपुल्स पार्टी ले सियासी हवाले से कानूनी हवाले से मॉरली हवाले से अवामी सपोर्ट के हवाले से इलाही ग्राउंड आ पर मसलो यो तो पीपुल्स पार्टी जो तो बयान अची पर ठीक है सिंध गवर्नमेंट के उन्हें अगर वधण घुर्ज तो उन मिसाल
मसलो थी सके तो जो उन ऑर्डिनेंस के खिलाफ वे थी वध में वध खतरो यो सिंध गवर्नमेंट वन जो ना पर वो सिंध गवर्नमेंट छो वी खतरो थे हरूभरू उन्हें ड्रप में हुजन जो अख्तियार सिंध के मिल्कियत हथ खी वेहन ड्रप में जिनको अजा तीन परे परे तक कोई इजहार भी नजर न तो अचे जैसे ऑर्डिनेंस की मुखालफत कंदा तो क्या इन गवर्नमेंट खत्म खुद लागू करनी बदनियत जाहिर करे तो जे अंदाज में पार्लियामेंट है इदारा है तुम उन मार्फत उनके कोई कानून साजी करना चाहो ऑर्डिनेंस असेंबली न एफएटीएफ वाला मामला हुआ उनके लिए ऑर्डिनेंस आना पाया बाद में पार्लियामेंट में उनका मंजूरी वठनी पड़ी जैमें अपोजिशन भी हुकूमत को साथ दिनों छाकाण तो नेशनल इंटरेस्ट में मामलो इतने नेशनल इंटरेस्ट कड़ो है हि तो सौ सीधो कमर्शियल इंटरेस्ट है खुदा जहा बंदा ये तो न कर हाँ जैसो जो फारूक गाल कई तो पीडीएम है पीडीएम छे थी पी हाँ उनके जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन छो है तो अल्टिमेटली उन्होंने आवाम वट वो है पब्लिक के गड खणो है जेकर पब्लिक के गड न खणदा ही तरीक ना लाए सकन तो वो हिकड़े मोस है इन इशू के बाईपास करी सकन मोस बियो इन का वधिक एकड़ी महमूद खान अचक से पाकिस्तान बार काउंसिल में एकड़ी गाल कई जो पीपीए नवाज लीग थे जो उनके खदशे आन खास कर कौम परस्तन के नंढन पार्टियों के तो सदाई पैंजा मामला सीधा करण असेंगे इस्तेमाल कंदा तो उनमें एक गाल कई तो जर तुम भी इन भेरे भी असेंगे ये इस्तेमाल कर यो न समझो तो असो चुप कर वेही रही अस पूनम वो ऑप्शन मौजूद आ उ मौजूद आ नंढन कौमन जो भी मसला उन्होंने अस बो इतिहाद ठा सकूँगा सॉरी गाल कटो तो अज ही जी रैली हुई प्रेस क्लब में अस वेठासी तो रैली खत्म थी तो वही चाय से जिक थो आई डॉक्टर रसूल बश्को आवाम तरीके सदर पाया उतें उन्होंने यह गाल कई उन्होंने असं चाहूँ पा तो सिंध जहा नेशनल्स जै गाल इतिहा तरफ वन तो इन इशू तो बलोचिस्तान खड़ी तो इन बलोचिस्तान यानी अगर महमूद खान अचकज़ई कर तो इनके खड़ी असि नए इतिहा तरफ वन असे वासी सवेल गाल कई थे मजबूरी है सभी सियासी पार्टियों जो एक तो वाक्य सिंसियरली कम कन पे जो कम कर सियासी तौर उन भी मजबूरी थी पीपुल्स पार्टी पोते थी थे तो बियूँ जो कुवतून बियूँ जो पार्टियों उनके इन पास वनो पव इतिहा तरफ वो सिंध बलोचिस्तान सितर ती हो या इवन केपी ती हलिया वन या इवन पंजाब जो कुवतू जो इन जमहूरी सेटअप लाइ विढ़ वो समझन थी कानून साजी जो पार्लियामेंट के छे कर नजरअंदाज कर अरड़ी तरमीम के खत्म कर सजे मुल्क के लताड़ींदा वतंद तो उन पंजाब जो कुवतू भी तुम बीह जो जमायत इस्लामी जो हाँ कें गाल कई दोस्त जिन मेल आयासी पे तो उन्होंने मुखालफत कई चाहिए बेट वा सिंध की मिल्कियत तो हे जो वसी मफाद है निकड़ो अवामी मफाद है उनमें इलाही कुवतू गड़जी सगन जो एमके उर्दू गलाइंदर जेके सियासी जमातू हैं जेके लीड कर जो उनन जो तो यो इशू है तो उनन खां तो बने तो ना सिंध खां बने तो जेनी जेके सिंध में मुस्तकिल रवासी हैं ही तो एकड़ी तरक्याती मंसूबे या के प्रोजेक्ट इशू आए कोन आए एकड़ी सूबे खां समड फुरणो उन्हें समुंडी वसीला फुरण उन्हें समुंड सजे से कब्जो करण या जो सूबन के राइट आ फुरण तो उनमें तो सभी ला ही तो इताद अड़ो हो जैमें ये धुर होजन खन छो नजन खन घुर्जन वही गाल वसी मफाद में जो भी इतने सिंध के पैंजी धरती समझे तो उनके मिल्कियत में उनके हिस्से में खाए तो इतने कमाए तो जाहिर उन असर तो उन्होंने भी पवन जर ये मिल्कियत खस की वफाक हली वी तो सुबह जो कराची वाला दोस्त अक्सर चवन कर पा तो कराची सिंध जो हिस्सों था समझू पर वो सदा ही चवंदा तो कराची इतना कमाता है सुबह जो समुंड हलो वो तो कराची की कमाई केतरी बचंदी तो जाहिर वो उन्होंने भी मफाद में आए तो इन लाइ वेड़ कन रगो ही को तो इशू ना है ना तो भाई एक शहर ठाए छा या को जो भी छा वो छा हि तो अगत वा तो ये सागे दाऊँ जो हिंसर सिंध हुकूमत का शिकायतू कन उनके कें क्या वफाक करनी पवन मुझे ख्याल भी पॉलिटिकल पार्टीज होंद जो अजीब अलम यो हों जैसे ये इकतदार में होंद तो ये एक डिफरेंट एंगल से शन के ऐसा अपोजिशन में होंद डिफरेंट एंगल से हों तक यकीन जानो जैसे पीपल्स पार्टी हिंसर अपोजिशन में हो तो हि तर तपाए छे ही माना इन एतरो गोड़ करे एतरो गोड़ करे जो इनके इन बया सब इशूज दबजी वन पर हाँ जो हि पा हुकूमत में आए उनके डिफरेंट इशूज जो सियासी पॉलिटिकल मामला उनमें ही उलझल है त
तेज करे किस्म की उन मजबूरी भी है तो किथे किथे उन कंप्रोमाइजिंग मतलब उन हालत में हली थी वे पार्टी मिसाल तौर एक कराची कमेटी ठाने वो मामलो हो तो शुरू में केतरो रिजिस्ट किया पे खुद मुराद अली शाह अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई तो न अड़े किस्म का शन नींदी पर आखिर में पाँचों पान जो है कराची कमेटी ठही भी वही और उन टी ओ आर्स भी तय थी उन गजाणी भी थियन लगी उन मीटिंग्स भी थियन लगी सब कुछ थी बिल्कुल यो ही सागे मामलो जो इन भी लागू है अच्छा जी डी एन सारे मंजर में पान के नजर नी चाहिए माना एक वजारत जी डी के एम क्यू एम के मर्कज़ में दई ऑफिस दई बाकी सभी मामलों रुगो पीपल्स पार्टी ना असि सभी सियासी जो पार्लियामानी सियासत कन थो उन्हें पार्टियों अलमियो अयाज लतीफ़ साहब जो तो गाली जबरदस्त अचन प्य जी डी ए जो जनरल सेक्रेटरी पर जी डी एज अ होल एक इताद मतलब अयाज साहब जो भी गाल जाती कैपेसिटी में या उन पार्टी आ कौमी अवामी तहरीक उन हवाले से क्यों एज ए जी डी ए जो को अड़ो बयान सामू ना आया तो इन मुखालफत था कन हिमायत थी तो खुद जी डी ए पॉलिटिकल माहौल पर असल मसलो है यो तो मानू चाहे बीहे न बीहणी तो मसलो है पीपुल्स पार्टी नो नी समझे तो कड़ी सूरत आल सिंध सजी बरी पई आ हुकूमत में वेठी आई सिंध की वे में वही पार्टी आ जाहिर सब जल नी बीहे तो सब का वो नुकसान तो पीपुल्स पार्टी के पवन न सियासी हवाले से वो समझंदी हूँ बिल्कुल पर जो इकतदार में अच्छी उन मजबूरी थियन थी बी जी गाल अशफाक साहब तो तुम जो शूं पर वो कब्जा कड़ी सूरत आल अड़ी जो मान शूं तुम खसो पर उनके जीण दियो मिसाल वफाकी हुकूमत उनमें वफाकी इदारन में नौकरियों की कोटा है जका वह सिंध के अज तक पूरी न मिली है पर उन सिंधी मानों जो हल्को फुल्को एहतजाज रड़ियों थन्द ये एनएफसी उन भी खज ये तो सफा जीण जो मामलो है ना तुम मानू के पोते था धिको पर बो यो मे धिके भित में हणी उनके घुटो था दियो जैसे तुम भित से लगाए घुटो दियण की कोशिश कई ना मानू बो को रस्त बचे ही को पान के बचाने लाइ विढ़ाई अच्छा एहतजाज थन था ये खुद सिंध हुकूमत के पो अग केस रख में फायद रही जी माजी में पीस पार्टी कोपरस चवंदा ना एहतजाज असिला क्यों लठियों असिला खटियो जो पीस पार्टी खाए थी तो खुद हिंसर पीस पार्टी चई सके थी तो सिंध में एहतजाज है मानू रस्तन थे तुम कड़ा फैसला पा कर तो सिंध हुकूमत के ही एहतजाज जे खुद फायदो दियन था सपोर्ट दियन था मास में जहाँ तो मानू रस्तन थे मानू एहतजाज पा था कन उनके कैश कराए सकता सी सी आई में जो भी प्लेटफॉर्म में तो वही रख रखी सो मुराद अली शाह सारी सिंध एहतजाज भी करें तरह तक पे तो उनके किरदार वाजे करना पवो तो ये शक शुबा छो था उभरन छाकाणि त हू का पोजिशन जो वाज़े नथा कनि त असांजो हिननि बेटनि जे मामले ते कहिड़ो जेको आहे ओपिनियन आहे सिंध गवर्नमेंट छा थी सोचे ऐं विफ़ाक़ सां या विफ़ाक़ी नुमाइंदनि सां हुननि जूं जेकी गॾिजाणियूं थियूं आहिनि मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उन्हनि में कहिड़ी शइ डिस्कस हेठा आई ऐं हीअ जॾहिं अथॉरिटी ठही पई हीअ जॾहिं आर्डिनेंस ठहियो पए त छा हुननि खे ख़बर हुई हुई त पोइ हुननि रिज़िस्ट छो न कयो हुई त पोइ हुननि जेको आहे पब्लिक ओपिनियन जो सहारो छो न वरितो हीअ सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि तॾहिं उनजो सॼो किरदारु जेको आहे शकी कनि थियूं हींअर बि जेकॾहिं सिंध हुकूमत वाज़े करे ऐं चिटो हिकिड़ो मौक़ो वठे त बाबा हीअ भेट सिंध जे माण्हुनि जी मिल्कियत आहिनि सिंध जी मिल्कियत आहिनि ऐं इन्हनि ते का बि शइ जेको आहे सो उहो सिंध जी मर्ज़ी खां सिंध जे माण्हुनि जी मर्ज़ी खां सवाइ न थींदी ऐं हीअ जेका अथॉरिटी आहे इहा टोटली इलीगल ऐं अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे तव्हां इहा वलार नथा करे सघो त पोइ त हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी पोइ सिंध जा माण्हू बिल्कुलु सिंध हुकूमत जे पोयां बीहंदा ऐं अहिड़े कंहिं बि क़िस्म जी जेका कानून साज़ी अगरि थींदी बि सही को ऑर्डिनेंस वग़ैरह उनखे रद्द करे छॾींदा इहो पीपुल्स पार्टी सीज़न पार्टी आहे उनखे ख़बर हुजे उन्हनि जा अॻुवाण जेके आहिनि उहे एतिरा सादा कोन तरक़ी जो इशू आहे कोन तरक़ी जो इशू आहे कोन हीउ सिधो तोसी पसंदि न आहे हिकिड़ो मामिलो आहे पीपुल्स पार्टी खे जेका पढ़ियल लिखियल सियासी शऊर रखंदड़ माण्हुनि में जेका बि हेॾी महिल सपोर्ट अञा ताईं मिलियल आहे उहो हुनजो को हुनजी का हुकुमरानी एॾी बहितरु कोन्हे गुड गवर्नेंस कोन्हे न इंतिज़ामी उन्हनि में का एॾी सलाहियत आहे जंहिंजे करे उहा हुनजे सियासी बयान जे करे आहे जेको क्रेडिट खणंदा आहिनि अरिड़हीं तरमीम साईं जमहूरियत पसंदि तरक़ी पसंदि लिबरल औरतुनि जे हवाले जे हक़नि जे हवाले सां ॿारनि जे हक़नि जे हवाले सां जेको बि सियासी बयानु आहे
उन पीपुल्स पार्टी पर जगह हेम पीपुल्स पार्टी पे उन्हें सियासी बयान में हथ कढ़ी ये जो सिंध की मिल्कियत वो भी तो सियासी बयान हो तारी तरमीम अख्तियार मिले तुम में हथ कढ़ो तगे ही गवर्नर एडी सुी को तो थोड़ी चुका वो दाग अगे ही इनके मथा है न जैसे वह जैसे कानूनी होजन है तो अदालत उनके रद्द न करी है अज गबोर गोठ डाठा अन अजा ती एक्टिविटी हले थी सिंध पुलिस उनको हिस्सो आठ कदीम के मानों बुरफतन जहाँ जोखियन जहाँ गबोल जे कराची में सदन का रहन पाया वो डायन पा सवें पुलिस मोबाइलों गड कर गोठन से रोज़ कहा थे थी अजा ती जमीनू दिन अन तरक् नाले में पर इन ये जो बैरिया टाउन ठाऊँ जी हाँ गोठ ठादर जो चवन था तरक्की मांग के फायदों इन में घड़न जोखियन जहाँ फ्लैटन घड़न बुरफतन जन घणन गबोलन जान या जेके बिककन जान या जेके बिया बुरफत रहंदा जेके पाड़ा जेके कदीम हिते रहंदा हुआ जाम बिया अटा सभी मला जेके दादियूं जो क्या उन में घणन जाए बंगला या जेके जेको अंदर मार्केट न दुकान उन में घणन जान ये सभी माण्हू हिकिड़ो इन्वेस्टर वो या जद ता हिकिड़ो पंहिंजो ज़मीनूं हिकिड़ो कमर्शलाइज्ड करे छॾींदो हो उन में सिंध हुकूमत जेका माण्हुनि जे मिल्कियतुनि जे तहफ़ुज़ जी ज़िमेवार उहा पाण धुर थी उन्हनि कमर्शियल माण्हुनि सां बेहंदी त ज़ाहिर आहे ईअं ई थींदो हिकु जेके बि वॾा वॾा प्रोजेक्ट चवंदा इहे को मकामी माण्हुनि लाइ कोन था अचनि त उन करे उहा इहा हालत आहे जेका तव्हां चओ था बैरिया में डीए में जेके बि ज़मीनूं आहिनि हिते जिते जिते कब्ज़ा थिया आहिनि उते ज़ाहिर आहे मक़ामी माण्हुनि खे लॾाए करे मक़ामी माण्हुनि जो आहे छा उन्हनि जो त उते हिकिड़ी झूपड़ी आहे उहे पंहिंजे उन रोज़गार ॿिनी ॿारे सां वेठा आहिनि उन लाइ त तरक़ी उहा ई आहे पर तव्हां उन्हनि खां उहा ई खसे ऐं पोइ चओ त असां तरक़ी पिया करायूं हैदराबाद ताईं तव्हां हैदराबाद ताईं वञो न सुपर हाईवे त ॾिसो ईअं ई सम्झो हीअ ज़मीन उलाट करणु कंदा आया न या बि सिंध गवर्नमेंट कई न रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़मीन उलाट कई न डी एच एस सिटी तव्हां ठाहे छॾी केतिरा किलोमीटर में तव्हां ॻोठ माण्हुनि जा उहे बहिरिया टाउन ठाहे छॾी पोइ तव्हां अॻिते वञो त मुख़्तलिफ़ नालनि सां तव्हांखे बड़ा बोर्ड नज़र ईंदा त वञी टूल प्लाज़ा हैदराबाद ताईं मक़ामी माण्हुनि खे लॾाए उहे दरबदर थी विया उन्हनि ते पुलिस वञे थी ऐं सिंध गवर्नमेंट जा माण्हू ख़ुदि पीस पार्टी जो कल्ह चवनि पिया जेके ॻोठ ॾहनि पिया गबोरनि जा हिननि जा उते साजिद जोखियो जेको तव्हांजो एम पी आहे उहो ख़ुदि पुलिस सां गॾु बीठो हुन पासे न बीठो पंहिंजे माण्हुनि सां न बीठो छाकाणि मथां उहा ई ॻाल्हि कई त पीपुल्स पार्टी जेका कारकर्दगी आहे उन करे त माण्हू उन सां गॾु कोन्हनि उनजा जेके कम आहिनि इहे ज़मीनुनि ते वालार या जेके बि इस्पतालुनि खां वठी तालीम ताईं जेके बि शयूं माण्हू सहूलियत जो आहिनि उनजो त असांजे आॾो आहिनि त उहो त उन करे को पीपुल्स पर हिकिड़े पीपुल्स पार्टी जेके थोरियूं घणियूं हिकिड़ी सियासी बयान तौरु मञता ई हाणे हिन जेको क़दम आहे इन मां त उन ताईं ॼण पुठिते हटंदे नज़र पई अचे न त पीपुल्स पार्टी लाइ हेॾी महिल सूरत हाल अहिड़ी आहे या हिन पासे या हुन पासे जेकर पीपुल्स पार्टी पंहिंजो को मौक़ो वठी नथी बीहे अञा ताईं ख़ामोश आहे हल्को फुल्को थोरा इशारा ॾिना अथनि हिकु मामूली ॻाल्हि कोन्हे हीअ बिल्कुलु एतिरी संगीन ॻाल्हि आहे जीअं कराची जो फाके जे हवाले कई वई जीअं वञी वटि मणियो हीअ बिल्कुलु अहिड़ी सिचुएशन आहे अहिड़ी सूरत हाल आहे इन में पीपल्स सिंध हुकूमत जेको आहे घणो वक़्तु घुमगू या चूंक चुना पीपुल्स पार्टी हिन पासे या हुन पासे मतिलबु या त माण्हुनि खे में हुनखे मञता मिलंदी या वरी मां पंहिंजे लाइ खॾु खोटे छॾींदा मूं सियासी हवाले सां ॻाल्हि पिया कई जेकर पीपुल्स पार्टी को स्टैंड वठी न बीठी न त हुनजी सियासत बि ख़तमु थी वेंदी हिकिड़े पासे सुवाल निशान थी बणिजे ऐं माठ मतिलबु पाण चवंदा आहिनि त माठ अधु राति पोइ हूंदो आहे ऐं जॾहिं मलिक रियाज़ वेहे थो त हिकिड़ो इशू माण्हू सम्झणु शुरू कनि था त सिंध गवर्नमेंट उनजी पार्टनर आहे छो जो जीअं ज़मीनूं ॾिनियूं अथनि जेके जेके बि केस हलनि था उनमें गॾु आहिनि हिकु ॿिए सां जवाबदार गॾु वेठा आहिनि तंहिं करे लॻे थो इहा सूरत हाल जेका आहे उन में हिसो आहे जहिड़ो सिंध गवर्नमेंट जो को शक न आहे रहियो त जेके जेके इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि उन्हनि जा पार्टनर आहिनि अञा ताईं पिया ॻोठ ॾाहिनि उन करे ॾाहींदा हिन में हिकिड़ो मोहम्मद अली शाह जो कल्ह मौक़फ़ ॿुधो हुन हिकिड़ा आलमी कानूननि ॿियनि खे कयो पियो हुन में हुननि जो चवणो हो त हीअ जेका समुंडी ॿेट आहिनि उन्हनि जे अंदरि हीअ जेका जंहिं हिसाब सां हीअ वफ़ा करणु चाहे थो उहो ख़ुदि इन्वायरमेंट जो वॾो इशू आहे कॾहिं कोई पूरी जेका सामूंडी जीवत आहे उन्हनि जा इशूज़ आहिनि उन्हनि जा मामला थींदा आहिनि हीअ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झनि कोन था मिसाल तौरु हे जेके जीअं डैम ठाहिण ते बज़िद आहिनि न
भाई डैम ठाए भले कड़ी भी कीमत ठाए भले उनमें तराहत उनमें ताहौलिया तबाह थे तो थे पर डैम ठहन खपन इं ही बेटन से शहर अडन खपन भले सजो समुंड भी तबाह थे तो मकामी मानू भी बेरोजगार थन मकामी मानू बेदखल थन इकला की तबाह थे इन इन गाल का परवाह कान्ने ये तरक्की ना ये तबाही है सही सीधी तबाही है जो ही जो हुकूमत पे वेठा इतने वेठा या मथे वेठा घट में घट यो थोड़ो दुनिया में का भी शे ठाण ला स्टडीज थन्दन एकड़ा पेपर्स ठहन एक जायजा वरता वा अभ्यास बस ही टुकड़ो पियो आए बस हाँ इन इन ते अख है ही पबा है हे जो तरक्की रुगो डिगियो ने मार तू ठाण के दा समझन मिसाल जे जो बे टन इने पासे वंजन था एकड़ो तो मिल्कियत सिंध जी आए ने पासे वंजन था इन का अग में जो ये तमर जा बेला तबा कई वटान अलै घणा बेला कटे उते जिते जिते समुंड जद पोइते हटंदो आ तो उनन वो तमर जा बेला कटे उते फ्लैट या अपार्टमेंट ठाए छड्यान ए उने सा जका तबाही अचे थी जका हाणे थी हाणे कोई बरसातन में तबाही तो वो इन जो एनवायरमेंट के सबनी के फारूक साहब ता बिनी जी बड़ी मेहरबानी नाज़रीन ता असा प्रोग्राम डिठो में गुफ्तगू कैसी खास तौर इन इशूज से बेटन वाले ते ए जको फाके आडीनन सा आयो सिंधी मानू रद्द किया एहतजाजन थे सिंध हुकूमत की खामोशी ते जो आ डिस्कस अस इतने तो सवाल है सिंध हुकूमत के पंजो मौकफ वाजे रखो पवो तो मानू सूबे मानू से गर्ती पे या पंजो समुंड जो वफाक हवाले करे थी बे प्रोग्राम तक इजाजत दींदा अलावा ही।